राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने वाला अगर हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन है, ये माननीय लालू यादव जी ही बता दे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव चीज देख रहे। देखिए, अयोध्या राम लला विराजमान हो, तमाम लोग घूमने जाना चाहते हैं, पर ऋतुराज सिन्हा देखिए बीजेपी से राष्ट्रीय मंत्री हैं और बिहार से कई लोगों को अयोध्या मिल रहा है। देखिये, ये स्पेशल ट्रेन है जिससे ऋतुराज सिन्हा हरी झंडी दिखाए हैं और तमाम जो यात्री हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं, वो अपने अपने जो बोगी है उसमें प्रस्थान कर रहे हैं और ऋतुराज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं। देखिए, हमने ऋतुराज सिन्हा से भी स्पेशल बातचीत की है, क्या कुछ उद्देश्य है, जिस तरीके से धर्म को लेकर सियासत हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू बताने के लिए बात, तमाम चीजों को क्या कुछ करें ऋतुराज सिन्हा, पहले आप मुझसे। देखिए, आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुए लगभग 1.5 महीना से अधिक हो गया है, पर आप यहाँ 5:30 बजे सुबह बख्तियारपुर स्टेशन का माहौल और रौनक देख रहे हैं। ये जनता का आस्था है, जनता का विश्वास है रामलला पे, जनता का प्रेम है, जनता की श्रद्धा है कि इतनी भारी संख्या में लोग आज इस क्षेत्र से रामलला मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखता हूँ, रामलला देश की आस्था का केंद्र है और चुनाव आते जाते रहेगा, पर रामलला और रामलला का मंदिर हिंदुओं के लिए गर्व का स्थान सदैव बना रहे। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने वाला अगर हिंदू नहीं है तो हिंदू कौन है, ये माननीय लालू यादव जी ही बता दे। आप धर्म को लेकर भी काफी सारा विवाद होते रहा है, क्या होने चाहिए। देखिए, ये इसको सिर्फ धर्म से जोड़ के मत देखिए, जो राम में श्रद्धा रखते हैं वो न्याय में श्रद्धा रखते हैं, जो राम में श्रद्धा रखते हैं वो समाज में एका देखना चाहते हैं, जो राम में श्रद्धा रखते हैं वो जिस तरह से राम जी सबरी जी से परहेज नहीं करते थे, वो समाज में जात बिरादरी छुआछूत नहीं मानते। तो राम में श्रद्धा रखने वाले समाज में जो भी अच्छाइयाँ होनी चाहिए उसका प्रतीक है राम, उसकी प्रेरणा है राम। क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, बिहार से अनेकों ट्रेनें अयोध्या गई हैं रामलला मंदिर के दर्शन हेतु। आज उसी क्रम में फतुहा और बख्तियारपुर से करीबन 1500 श्रद्धालु इस ट्रेन में जा रहे हैं और उत्साह का जो माहौल है, जो वातावरण है, आपके सामने है। मुझे लगता है कि ऐसे करोड़ों करोड़ लोग आने वाले महीनों में रामलला का दर्शन पूरे देश से करने जाएंगे। तो अभी आप ऋतुराज सिन्हा को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ काम उन्हें, आपने सुना किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, धर्म को लेकर जो लोग सियासत करते हैं उनको भी जवाब दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है आगे ऋतुराज सिन्हा जो बयान दिए उस पर जो विपक्ष के लोग हैं किस तरीके से कटाक्ष करते हैं, पर धर्म पे क्या जो सियासत होती है, जो सवाल खड़े होते हैं क्या होने चाहिए थे, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ ऋतुराज सिन्हा जानकारी दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव चैट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पर चला गया करना बिल्कुल। धन्यवाद।